भाई दूज का त्योहार भाई बहन के बीच प्यार और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार रक्षाबंधन की तरह महत्व रखता है। भाई दूज का त्योहार मनाने से भाई को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। बहनें अपने भाई के लिए लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं। भाई दूज का पर्व कार्तिक मास की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों का रोली से टीका करती हैं, उनकी कलाई पर मौली बांधती हैं और उन्हें मिठाई खिलाकर नारियल देती हैं। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार में भाई दूज का भी बहुत महत्व है। भाई दूज का पर्व दिवाली से 2 दिन बाद आता है। इस दिन बहन अपने भाई का तिलक कर उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना भी करती हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि इस दिन यमराज को प्रसन्न करने से पूजन करने वालों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कैसे हुई थी भाई दूज मनाने की शुरुआत। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य नारायण और संज्ञा के 2 संतान थे, एक पुत्र यमराज और दूसरी पुत्री यमुना थी। मगर एक समय ऐसा आया जब संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाई और असमर्थ होकर उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी, जिसके कारण ताप्ती नदी और शनिदेव का जन्म हुआ। उत्तरी ध्रुव में बसने के बाद संज्ञा का यम व यमुना के साथ व्यवहार में अंतर आने लगा। इससे व्यथित होकर यम ने अपनी नगरी यमपुरी बसाई। वहीं यमुना अपने भाई यम को यमपुरी में पापियों को दंड देते देख बहुत दुखी होती थी, इसलिए वह गोलोक में निवास करने लगी। लेकिन यम और यमुना दोनों भाई बहनों में बहुत स्नेह था। इस तरह समय व्यतीत होता रहा। फिर अचानक एक दिन यम को अपनी बहन यमुना की याद आई। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन काम की व्यस्तता के चलते अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष के 2वें दिन यमुना ने भाई यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उन्हें अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। ऐसे में यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देख यमुना की खुशी का ठिकाने नहीं रहे। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक शुक्ल के 2वें दिन यमुना ने अपने भाई यम को आदर सत्कार स्वरूप वरदान दिया, जिस वजह से भाई दूज को यम द्वितीय का नाम भी दिया जाता है। दरअसल यमराज के वर अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करेगा, मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं सूर्य की पुत्री यमुना समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी का स्वरूप मानी जाती हैं। इस कारण यम द्वितीय के दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमुना व यमराज की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना भी करती हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन की गई पूजा से यमराज प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं।